सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। साले साहेब, जीजा से मिले भी ना जा रहे हो? क्या बोला तू? हाँ छोड़ छोड़ साले, भाई को मारता है तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ हट। भाई भाई, वो मर गया भाई, भागो यहाँ से भाई। चलो 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 भाई, जल्दी चलो। इतना हीरोइन बनके कहाँ जा रही हूँ महारानी? भाभी, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। ऐसे? ये पढ़ाई करने वाले इतना फैशन करते हैं क्या? बाबूजी, देख रहे हैं आप अपनी लाडली को? कविता, बच्ची है वो, और वैसे भी ये कपड़े मैंने लाके दिए ना इसको, तो तुम इसको क्यों बोल रही हो? अरे ये बच्ची बच्ची बोल के ना इसको सर पे बिठा के रखा है। अरे मैं बोल रही हूँ, इतनी आजादी अच्छी बात नहीं है, शादी की उम्र हो गई है इसकी। मैं तो बोलती हूँ ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और ढूंढो इसके लिए लड़का। अरे बहू, शादी तो होनी है एक दिन। अरे पढ़ लिखने दो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और फिर आजकल इतनी जल्दी शादी करता कौन है? अरे पर बाबू जी। कविता, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम है ना यहाँ पर, और मुझे मेरी बहन पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, इस घर में ना मेरी कोई नहीं सुनने वाला, बस बोलती रहती है वो। थैंक यू भैया, सुना सुना करा तू। चल भाई, भाई पापा, भाई बाय बाय। क्या हुआ, फिर से लेट क्यों हो गई? सॉरी, वो ही घर में रोज की बात है। क्या हुआ, भाभी ने फिर से कुछ बोला क्या? हाँ यार, पर चल छोड़ जाने दे, चल। क्या हुआ यार, मुझे डर लग रहा है यार। तू क्यों डर रही है? कुछ नहीं होगा। मैं तंग आ गई हूँ मीनाक्षी, ये रोज रोज के नाटक से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग डर कर जिए। सुन, चुपचाप मुंह नीचे करके चलते रहना, जैसे हम हमेशा करते। कुछ नहीं होगा। चौवालीस, पैतालीस, छियालीस, सैतालीस, भाई अड़तालीस, भाई उनचास, भाई एक और, भाई भाभी। तेरी भी और मेरी भी। ए भाई, आ रही है। अरे भाभी जी, आशीर्वाद तो दे दो ना। जाने दो हमें। कहाँ जा रहे हो भाई, भी तो आ रहे हैं अभी, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? कहाँ जा रही हो हमसे मिले बिना? ठीक से तुमको देख तो लेने दो, क्या लग रही हो इस जींस कुर्ते में? क्यों जिम्मी, लग रही ना तुम्हारी भाभी एकदम आइटम। बाय, प्लीज हमको जाने दो। हाय, एक बार फिर से बोलो ना, प्लीज हमें जाने दो। हाय <जल्दी। laughs>
भाई शर्मा रही है। सहन नहीं होता अब, इनकी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे लगता है हमें किसी को बता देना चाहिए। किसको बताएगी? तेरे घर वालों को, जो तुझे घर पर बिठा देंगे ये सब सुनकर। हाँ वो ठीक है, पर जो हो रहा है वो भी तो ठीक नहीं है ना। देख यार, हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और 2-3 महीने में तो हमारी क्लासेस भी खत्म हो जाएगी और ये मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ मीनाक्षी, पर उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। देख अर्जुन आ गया, उसे बता देते हैं, वो हमारी मदद कर सकता है। नहीं नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड। आज इतना लेट कैसे हो गया आने में? अरे अर्जुन, आज क्या बहाना लाए हो मीनाक्षी से मिलने के लिए? अरे पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। अरे अब दो ही तो दोस्त है मेरे, तुम लोगों से मस्ती नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। अच्छा हम लोग चलते हैं, क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है वो अगले 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ए भाई, अपन इधर क्यों आए हैं? अभी तो मिले थे ना भाभी से। क्या गजब दिख रही थी तेरी भाभी, गुलाब देना तो भूल ही गया। पर भाई भाभी की क्लास खत्म होने में तो बहुत टाइम बाकी है और तब तक आपका ये गुलाब तो मुरझा जाएगा। तुझे क्या लगता है सूरज किसकी वेट करेगा क्या? चल अंदर। अरे चलो भाई। एक्सक्यूज मी, आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? क्या बदतमीजी है ये, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्लास चल रही है? कहाँ चल रही है, 15 साल से तो यहीं जमी है। अगर क्लास चल रही होती ना मास्टर जी तो कहीं से कहीं चल चुकी होती। चल अब निकल लो मास्टर जी, टोकम टाकी पसंद नहीं है सूरज को। अरे चलो मास्टर जी, चलो चलो। अब तुम लोगों को क्या भोपू बजाकर बताना पड़ेगा? चलो निकलो यहाँ से। ओए चलो, ओए चल, भाई ने बोला ना चल जल्दी। ओए पेन उठा अपना। निकलो 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 जल्दी जल्दी निकलो साहब। भाभी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप ही के लिए तो आए हैं, हैं? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अरे बैठ जाइए ना भाभी जी। देखिए इतने दूर से भाई आप ही के लिए तो आए हैं। क्या बात है। ये देखो जानेमन, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो भाई, तो पूरा फिल्मी हो रहा है। अरे भाई कौन सा फिल्म देख के आया है? चुप कर। ये लो जानेमन, लो। भाभी जी थोड़ा शर्मा रही है, और ये देखो हमारी वाली हमसे थोड़ा नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं जानेमन, कल हम तुम्हारे लिए भी ला देंगे। ले लो जानेमन। क्या बात है भाई, गजब। क्या लग रही है, अरे शर्मा गई हो। मीनाक्षी, मुझे नहीं लगता हमारे नजरअंदाज करने से कुछ भी होने वाला है। इसका कोई ना कोई इलाज तो निकालना ही पड़ेगा यार। इनकी हिम्मत धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है यार, आज कोचिंग क्लास तक आ गए, कल न जाने क्या करेंगे। लेकिन क्या, तू ना अपनी भाभी से बात कर। हाँ भाभी? नहीं नहीं, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। नहीं होंगी यार, वो एक औरत है, वो हमें समझेंगी, हमारी प्रॉब्लम को समझेंगी और बताएंगी भी कि क्या करना चाहिए। क्या हुआ भाभी? वो क्या हुआ भाभी? वो एक लड़का है, मतलब मैं उसे जानती नहीं हूँ। वो पीछे वाली गली में खड़ा रहता है और छेड़ता है। आज वो कोचिंग क्लास भी आ गया था। पता था मुझे, अरे पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अरे ऐसे कपड़े पहनोगी तो ऐसा ही होगा ना, लड़के ही तो पीछे पड़ेंगे तुम्हारे। पर भाभी इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही भाव दिया होगा। हंसी होगी ना, बड़ा मजा आ रहा होगा कि कोई देख रहा है। भाभी मैं क्लासेस भी जाती हूँ ना, तो उनकी तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा पागल समझ के रखा है मुझे, मैंने तो जैसे दुनिया देखी नहीं है। अरे ताली एक हाथ से नहीं बचती है, और मोहल्ले में किसी और लड़की के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मना किया था मैंने तुम्हारे भैया को, बाबूजी को। अरे इतनी छूट मत दो,
ऐसे कपड़े पहनने मत दो। लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे ओ महारानी, मेरी बात सुन। अपने भैया और बाबूजी को ये सब कह के परेशान मत करना, समझी? और अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो छोड़ दे पढ़ाई और घर पर बैठ। इसके पास मेरा नंबर कहां से आया? मीनाक्षी, अब क्या करेंगे यार? सोचा था तेरी भाभी समझेंगी, कुछ करेंगी, पर उन्होंने तो तुझे ही डांट दिया उल्टा। पता नहीं, पर उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला होगा? वो गुंडा है यार, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो उस गली में ही जाने को डर लग रहा है यार। चलना तो होगा ना, चल। चल जल्दी निकलते। पहले तो तू ये बता, मैंने तुझे इतने कॉल किए, मैसेज किया, तूने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? ऐसे क्यों देख रही है, मारेगी क्या? तुझे ये चाहिए ना, लेना लेना इसे। ऐसे मत रो, नहीं देख सकता मैं तुझे ऐसे। अरे आराम से भाभी जी, ये चाहिए ना, लेना यार तू। अरे भी क्या जल्दी है, रुठ जाएगी। अरे भाई, और जोर लगा रही है। अरे भाई को देख, क्या हीरो माफी एक्शन कर रहा है। अच्छा, छोड़, और जोर लगा भाई, और जोर लगा। चल भाग, चल। मीनाक्षी, तुम दोनों इतना रो क्यों रहे हो? अर्जुन, वो शोभा बोल। अर्जुन, हम लोग आ रहे थे। इतने दिनों से तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अर्जुन, अर्जुन नहीं, अर्जुन मेरी बात सुन, प्लीज। अर्जुन नहीं यार, अर्जुन बच जा, अर्जुन, अर्जुन। अरे भाई देखो उधर क्या आइटम जा रही है भाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीनाक्षी के साथ ऐसी हरकत करने की? ए, मैं तो डर ही गया। निकल इधर से, देखो आशिक आ गया। सुन, आज तो हिम्मत कर लिया कॉलर पकड़ने की, आगे से ना करना। और सुन, तू रहना मीनाक्षी से। नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो क्या, अभी निकालता हूँ तेरी गर्मी। अरे आप भाई पे हाथ उठा रहे, नीचे डाल इसका, मार मार भाई पे हाथ उठा, बहुत हिम्मत कर गई तेरी। हाँ भाई, रुक रुक, मार इसको, आज तो छोड़ रहा हूँ, आगे से हरकत मत कर देना, जान से मार दूंगा। अर्जुन, 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 अ
अर्जुन क्यों? कोई हमारी मदद करो। अर्जुन उठ, उठ खड़े हो। आखिर हो क्या रहा था ये? भरे बाजार में दिन दहाड़े रोज लड़कियों को कुछ सूरज जैसे लड़के परेशान कर रहे थे। आखिर क्यों कोई सामने आकर इन लड़कियों की मदद नहीं कर रहा था? क्यों कोई उन लड़कों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि सूरज जैसे लड़के किसी गली मोहल्ले के चौराहे पर खड़े होकर अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं। लड़कियों से छेड़छाड़ उनकी दिनचर्या बन जाती है, लेकिन इनको गुंडे बनाते हैं हम, क्योंकि हम इनके खिलाफ आवाज उठाने से कतराते हैं। अपने सामने हो रहे दुष्कर्म को रोकना जरूरी नहीं समझते, और इसी वजह से जाने अनजाने इनकी हिम्मत बढ़ती है। लेकिन समाज में हर कोई ऐसा नहीं होता। समाज में अर्जुन जैसे लोग भी हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यूं अकेले आवाज उठाना काफी नहीं होता। मीनाक्षी ने अपने साथ हो रही ईव टीजिंग की समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उसने अपनी भाभी को सब बताया, इसी उम्मीद में कि उसकी भाभी उसका साथ देगी। लेकिन उल्टा कविता ने मीनाक्षी को ही दोषी मानकर कटघरे में खड़ा कर दिया। जरूर इसमें तेरी ही गलती होगी, ऐसे कपड़े पहनोगी तो यही होगा। रास्ते बदल दो, नजरें झुकाकर चुपचाप जाया करो। आखिर क्यों ऐसी नसीहतें देते हैं हम अपनी लड़कियों को? क्यों हम अपने लड़कों को नहीं कहते कि किसी भी लड़की से ऊंची आवाज में बात ना करें, लड़कियों की इज्जत करें, उनके लिए दिल में सम्मान रखें? करके देखिए, शायद इन नसीहतों से हमारा समाज और भी बेहतर बन जाए। सूरज की हरकतें दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही थी। क्या मीनाक्षी और शोभा इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे, या फिर कोई गंभीर समस्या इनकी जिंदगी में दस्तक देने वाली थी? ये सब इतने दिनों से चल रहा है और तुम मुझे आज बता रही हो? अरे न जाने कितने लोगों ने देखा होगा तुझे, क्यों मेरी इज्जत नीलाम करने में तुली है तू? इसका तो बस एक ही इलाज है, ऐसे इसका क्लास से जाना बंद करो। पापा पर पढ़ाई क्यों बंद करवा रहे हो? अरे वो तो गुंडे हैं, उनका क्या, उनकी वजह से मैं पूरे मोहल्ले में अपनी इज्जत नीलाम करता फिरूं? माँ आप ही कुछ बोलो ना, ऐसे थोड़ी होता है। क्या करोगी पढ़ लिख कर तुम, आखिरकार बड़े होके चूल्हा ही तो फूकना है ना। पर माँ पापा मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने जितना कहा उतना करो, तब से मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ, बस समझी? भैया। हम्म? पापा। हम्म? वो मुझे आप लोग से कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना है? वो एक गुंडा है। क्या गुंडा? रोज वो मुझे छेड़ता रहता है, और आज भी जब मैं कोचिंग क्लास जा रही थी उसने दुपट्टा खींच लिया। उसके साथ दो लोग और भी हैं। वो हर दिन शोभा और मुझे रोज परेशान करते रहते हैं। भैया मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, गली के बाहर खड़ा रहता है वो भी रोज। उसकी तो, उसको तो मैंने छोड़ा। अरे, अरे उमंग, जोश में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, हमें इस मामले को सही तरीके से हैंडल करना होगा। अरे सही तो कह रहे हैं बाबूजी, तुमने ज्यादा जोश में मत आओ। देखो मैं सोचता हूँ कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं शोभा के पिताजी से भी बात करता हूँ। नमस्ते। शोभा ने आपको उस गुंडे के बारे में बताया होगा भाई साहब? हम लोग सोच रहे थे कि सूरज के खिलाफ पुलिस के अंदर रिपोर्ट करनी चाहिए। ये रोज रोज बच्चियों को छेड़ना बहुत गलत बात है। मुझे ये पुलिस पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना, मैं तो यही कहूंगा कि आप भी इन सब में मत पड़ो, बेटी को घर बिठाओ। नमस्ते जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आने से इनकार कर दिया। पापा मैं कह रहा हूं यह मसला ऐसे नहीं हल होने वाला है। अरे इतने दिनों से वो इन लोगों को परेशान कर रहा है, अगर किसी को मदद करनी होती तो अब तक कर चुका होता। ज्यादा गुंडा बना फिरता है ना वो सूरज, अभी मैं सबक सिखा के आता हूँ उसको। अरे सुनो। अरे उमंग सुनो,
सुनो बेटा, खुश है अब? पड़ गई तेरी कलेजे में ठंडक? भाई भाभी एक नंबर लग रही थी आज। अरे हाँ भाई। मेरी बहन को छेड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? ओए क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ पूछिए अपने बेटे से, क्या गुल खिला रहे हैं मोहल्ले में? क्यों सूरज, क्या बोल रहे हैं ये लोग? पता नहीं पापा। देखिए भाई साहब, आपका बेटा मेरी बेटी को रोज छेड़ता है जब वो क्लासेस को अटेंड करने जाती है। गंदी गंदी बातें बोलता है आपको, तो वो बातें बताने में मुझे शर्म आ रही है। भाई साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अंकल जी जरा निकलिए बाहर और जाके देखिए क्या कर रहा है आपका बेटा। आज तो उसने मेरी बहन का दुपट्टा। उमंग रुको। भाई साहब मेरा बेटा इस तरह का नहीं है। माना कि ये कुछ बदमाशियां करता है, लेकिन ये इस तरह की घिनौनी हरकत कतई नहीं कर सकता। आपकी आंखों में तो बेटे के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, उतारिए उसे। आज के बाद अगर तू मेरी बहन के आसपास भी दिखाना तो देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तुझे इतना मारूंगा ना और उसके बाद घसीटता हुआ पुलिस के पास ले जाऊंगा। चलिए पापा संभालिए इसे। मिटा रहे देश से जुर्म का नामो निशान, आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। अरे ओ महारानी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, पढ़ाई बंद करो और चुपचाप घर पर बैठो। कविता कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे किसी गुंडे लड़के की वजह से मैं अपनी बहन का भविष्य तो नहीं खराब कर सकता? अरे इंजीनियरिंग की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। मीनाक्षी तुम जाओ, जाओ जाओ। अरे मेरी सोच ना बिल्कुल सही है, अगर तुमने इसको अभी नहीं रोका तो तुम पछताओगे। देख लेना कल को कोई अनहोनी हो जाएगी तो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मीनाक्षी पढ़ेगी और रोज क्लासेस जाएगी। मैं देखता हूँ उसको कौन रोकता है। हेलो। हेलो शोभा, तू किधर है, आज लेट क्यों? यार मैं कभी क्लास नहीं आ पाऊंगी, पापा ने सूरज वाली बात सुन के मेरी पढ़ाई बंद करा दी। यार तू जा, तू अकेली इंजीनियर बन। चलो आज से रोज मैं तुम्हें छोड़ने जाया करूंगा। तुम तकलीफ मत करो, मैं चली जाऊंगी। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं उस सूरज को भी जानता हूँ, वो क्या कर सकता है। और दोस्त हो तुम्हारा, फिकर है मुझे। चलो अब। बाबूजी खाना लग गया। उमंग आता होगा, साथ ही खाएंगे। बाबूजी उनका फोन आया था, उन्होंने कहा आज उनको देर हो जाएगी, आप चल के खा लीजिए। अच्छा चलो। ओ साले साहेब, जीजा से मिले भी ना जा रहे हो? क्या बोला तू? हाँ भाई पे हाथ उठा रहा है, बताता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, रुक अब तू।
मेरे पापा से शिकायत करेगा, थप्पड़ मारेगा, मार अब। मुझे मारेगा तू? रुक अभी। बताता हूँ तुझे। मुझे मारेगा तू? अरे भाई भाग भाग, जल्दी भाग, मर गया ये तो। जल्दी भाई, मर गया भाई, भागो यहाँ से भाई, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी चला भाई, जल्दी चलो, निकलो। हेलो शर्मा जी, जल्दी हाईवे पहुंचिए, आपके बेटे की लाश मिली है। क्या? उमंग उठो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उमंग बोलो ना। बाबूजी देखो ना इनको क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहे कुछ। उमंग उठो ना, कुछ नहीं हुआ तुमको, कुछ नहीं हुआ। उमंग सर ये सही वक्त नहीं है आपसे सवाल जवाब करने का, आपको किसी पर शक? ए चल थाने, तेरा बुलावा आया है। मैं क्यों जाऊं थाने, मैंने क्या किया है? वो तो तेरे को अच्छे से पता है तूने क्या किया है, चलो। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं, क्या किया है इसने, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? आपके बेटे पर उमंग के मर्डर का इल्जाम है, गौतम जी ने FIR किया है, उसे लेने आए हैं, चलो। अरे मेरा बेटा खून नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई। वो तो छानबीन होने के बाद ही पता चलेगा, चला रे चला। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरी जमानत का इंतजाम अभी करता हूँ। तू हट मुझसे, मेरे पति को मार के तू सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है, जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ है, ना ही तू यू उन गलियों में भटकती, ना जब ये दिल देखना पड़ता, पड़ गई कलेजे में ठंडक तेरे, मर गया तेरा भाई, हो गई मैं विधवा, खो दिया मैंने अपने उमंग को। चुप हो जाओ बहू, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ बाबूजी, इसकी वजह से हमने अपने उमंग को खो दिया, ये सारे फसाद की जड़ है, सॉरी फसाद की जड़। जा पढ़ ले, जा बन जा इंजीनियर, बहुत शौक था ना तुझे पढ़ने का, देखा इस पढ़ाई की वजह से क्या हो गया बाबूजी, क्या हो गया। इसने अपना भाई खोया है बहू, और मैंने अपना इकलौता बेटा, भगवान को शायद यही मंजूर था बहू। क्या हुआ ससुर जी, मातम क्यों छा गया? ओ हम तो भूल ही गए, बड़ा ही भला इंसान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अरे हाँ खुशखबरी देनी थी, वो क्या है ना, हमें जमानत पर रिहाई मिल गई है, पर दिक्कत इस बात की है कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, हम जेल गए क्यों, और इतनी हिम्मत आपने दिखाई कैसे? छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, वरना पुलिस को फोन करता हूं अभी। क्यों ससुर जी, बदन में बड़ी गर्मी आ रही है, सारी गर्मी निकाल दूं, जैसे आपकी बेटे की निकाली थी। हाँ हमने ही मारा है, क्या करोगे, पुलिस को बताओगे? जाओ बताओ, सामने खड़े हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले जमानत मिल गई, अब हम बताते हैं कि
की पुलिस से शिकायत करने का अंजाम क्या होगा? सजा तो मैं तुझे दिलवाऊंगी। तू मुझे मारेगी? छोड़ो इसे, छोड़ो। मुझे मारेगी? छोड़ो इसे। संभालो। चलो। दंगल लाया है अपने दर्शकों के लिए एक नई पेशकश। मैं और मेरा नागार्जुन अलग जरूर हुए थे, पर जुदा नहीं। तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। एक नागिन और उसके प्रतिशोध के बीच में आने वाला आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो इच्छाधारी नागिन है, कोई भी रूप बना सकती है। आज 12 साल बाद मैं उसके असली कातिल का पता लगाऊंगी और उसके बाद जो भी होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। अपने भैया और बाबूजी को ये सब कह के परेशान मत करना। जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ है। ना ही तू यूं उन गलियों में भटकती, ना जब ये दिल देखना पड़ता। और इतनी हिम्मत आपने दिखाई कैसे? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना पुलिस को फोन करता हूं। क्यों ससुर जी, बदन में बड़ी गर्मी आ रही है। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जाने दो मुझे। कहाँ जाएगी, रुक। ये भाभी अबला नारी से शेरनी बन गई है। अब आज निकालता हूँ इसका सारा शेरनीपन। ले लगा फोन अपने बाप और आशिक को। लगाना। हेलो पापा। मीनाक्षी बेटा। अरे बुड्ढे इतने भी क्या जल्दी है, चल इधर चल। बैठ इधर बैठ बैठ। लाड रस्सी, ला रस्सी, बांध इसको, बांध बांध बांध। छोड़ छोड़ दो, जोर से बात तुम छोड़ूंगा नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। मीनाक्षी बांधो बुड्ढे को। अरे आशिक तू कहां जा रहा है? छोड़ मीनाक्षी को, छोड़। मीनाक्षी छोड़ो बेटा, तुम ठीक हो ना? कौन छोड़ छोड़ो मुझे, आशिक बना फिरता है ना, छोड़ दो। आज निकालता हूं तेरा आशिक बना। खोल दे बेटा खोल। रुका क्यों तू, खोल ना, रुका क्यों तू, खोल ना, रुका क्यों तू। चिंता मत करो, खोल दो बेटा। सूरज रुक जा, अब भोगा ना तू, खोल दो बेटा उसे। ऐसे बड़े कमीने लोग हो तुम। भाई मर गया लेकिन एट फिर भी नहीं गई। क्यों जिम्मी, किसने मारा था थप्पड़ मुझे? भाभी ने। अब बताओ होने वाली बीवी पति को थप्पड़ मारेगी क्या? सजा तो मिलेगी ना। चले मजनू साइड हट। अब जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा वैसा कर। सूरज सूरज क्या कर रहा है? निकाल इसे। चल अब बना सुहागरात इसके साथ। तू क्या कह रहा है सूरज? मैंने कहा ना रेप कर उसका। तेरा दिमाग खराब हो गया सूरज। करेगा या नहीं करेगा? जितनी देर लगाएगा बुड्ढा उतना ही दर्द सहेगा। चल उधर रेप कर उसका, कर जल्दी, बोले ना करेगा कि नहीं करेगा। करेगा कि नहीं? मर जा रहे थे, करेगा मर जा रहे थे मुझे, मुझे मर जा रहे थे। अर्जुन मुझे सूरज छोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे। अब आया ना लाइन पे, छोड़ो छोड़ दो मुझे, मर जा रहे थे मुझे, मुझे मर जा रहे थे अर्जुन, मर जा रहे थे।
अर्जुन अर्जुन मुझे मार जा। सके तो मुझे माफ कर देना मीनाक्षी। अरे देखना तेरी बेटी की लाइफ स्वागत है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे देखना बुड्ढे, ऊपर कर मुंह, ऊपर कर मुंह। क्या कर रहे हो? आंखें बंद क्यों है? पूरी खोलना बुड्ढे, देखना उधर सामने। बोला ना देख उधर, नीचे क्यों कर रहा बार बार मुंह? जिम्मे चल। हाँ भाई, वायरल करते से। हाँ भाई, बढ़िया बन गया। बड़ा आशिक बना फिरता है, आशिक बनाया ना इसे। सूरज जैसे लोग के लिए शैतान और हैवान जैसे शब्द भी कम है। उसने अपनी सोच से शैतान को भी मात दे दी। लेकिन आखिर ये नौबत आई क्यों? क्योंकि किसी ने भी सही समय पर सूरज के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया। छेड़छाड़ को एक साधारण सी हरकत मानकर उसे नजरअंदाज कर दिया, और जिससे सूरज की हिम्मत बढ़ी। उसने अपने झूठे अहम और अहंकार के चलते एक साथ तीन तीन लोगों के जीवन को नरक बना दिया। मीनाक्षी, गौतम और अर्जुन, जरा सोचिए उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के साथ जबरन बलात्कार होते देखा, और अर्जुन जिसने न चाहते हुए ये जुर्म किया, और मीनाक्षी, उसके एहसास को तो शायद हम में से कोई समझ भी नहीं सकता। एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने साथ हो रहे छेड़छाड़ के खिलाफ उसने आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब क्या, आखिर अब कैसे गौतम अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, या फिर एक बार उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा? सर, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह लड़का अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब मेरे साथ जबरदस्ती करवाया गया है। अंकल बात है सर, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक करा, इसने मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ किया। सर, इस बच्ची को आप घर लेकर जाइए। जिसने भी ये कुछ किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश। सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की जय। महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। ये क्या जमाना आ गया, बाप साला अपनी बेटी को बेच रहा है। ये देखो यही है वो। अरे हाँ, क्या बात है। अरे ये देख, वही लड़की, देख देख देख। हाँ वही है ना। अरे इसका ही वीडियो है। अरे ऐसे धंधे वाले यहाँ नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। हाथ जोड़ता हूँ, मुश्किल घड़ी में और मुसीबत मत बढ़ाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज चलो रे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, ऐसे नीच लोग यहाँ नहीं चाहिए। बाबूजी देखो ना, ये लोग क्या कर रहे, ये सब इसने किया। बाबूजी ये क्या कर दिया तूने? बाबूजी कैसे कैसे इल्जाम लगे हम पर। पहले मेरे पति को खा गई, अब मुझे और बाबूजी को बर्बाद कर देना चाहती है।
कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, अगर समय पर मैंने आपका साथ दिया होता तो ये सब शायद नहीं हुआ होता। अब आपको संभालना है, खुद को भी और मीनाक्षी बेटा को भी। शोभा, चुप कर, क्या बकवास कर रहा है इडियट। अरे बात तो सुन ले फोन। क्या चाहिए तुम्हें? अरे आज रात को तेरी बेटी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? निकल गया। टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूँ निकल। पैसे दूंगा। भाग। अरे गौतम जी सुनिए, पैसे दूंगा, पैसे दूंगा। निकल भाग, निकल। मेरी बेटी के बारे में क्या लिखे? देखना उधर सामने, बोला ना देख उधर, नीचे क्यों कर रहा बार बार मुंह? मजा आ गया भाई आज। आखिरी बार बोल रहा हूँ, ऐसे नीच लोग यहाँ नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से। बाबूजी देखो ना ये लोग क्या कर रहे, पहले मेरे पति को खा गई, अब मुझे और बाबूजी को बर्बाद कर देना चाहती है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। कुछ नहीं किया उसे, कुछ नहीं किया उसे। अरे मासूम निर्दोष है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अम्मा की तरह पवित्र है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हस्ती खिलखिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ। ये शादी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़की के साथ शादी। लेकिन रिश्तों को एक करने संतों देगी अब कौन सा बलिदान? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। बंदनी सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। बेटी मुझे माफ करना, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
छेड़छाड़ से शुरू हुए इस जुर्म ने आखिरकार एक भयानक रूप ले ही लिया। शायद जो हुआ उसे रोका जा सकता था अगर सही समय पर सूरज के खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया होता तो। दोस्तों एक बात हम सबको समझनी होगी, ये समाज जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है, उन्हें भी आजादी से जीने का उतना ही हक है। अपने भविष्य को संवारने के लिए हर उस कदम को उठाने का हक है जो जरूरी है। मीनाक्षी भी पढ़ना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, लेकिन बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि हमारे समाज में आज भी सूरज जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से लड़कियों को घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी होता दिखे तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाइए, सतर्कता ही इसे निजात पाने का समाधान है। लेकिन गौतम ने इस समस्या से निजात पाने का जो समाधान चुना उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। खुदकुशी किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता, बल्कि जरूरत है जुर्म के खिलाफ खड़े होकर उसका सामना करने की। पुलिस की जांच पड़ताल में मीनाक्षी के साथ हुई घटना और उमंग के कत्ल के जुर्म में सूरज और उसके दोस्तों को दोषी पाया गया और अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।